न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने शनिवार को बिलासपुर में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिला प्रधान राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। वहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर से उपायुक्त कार्यालय परिसर तक रैली भी निकाली गई। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि ओल्ड पेंशन स्कीम जल्द से जल्द शुरू नहीं की गई तो कर्मचारी और उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिला प्रधान राजेंद्र कुमार, प्रदेश सलाहकार अश्विनी राणा ने कहा कि सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ ही डेथ एंड डिसेबिलिटी स्कीम शुरू करनी चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम लागू कर सरकार ने कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि उम्र भर नौकरी करने के बाद कर्मचारी को न्यू पेंशन स्कीम के तहत नाम मात्र पेंशन लगेगी, जिससे परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो जाएगा। कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल खड़े हो गए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तेजित हैं। यदि सरकार ने हमारी बातों को नज़रअंदाज किया तो भविष्य में इसके ऐसे परिणाम आएंगे कि सरकार इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगी। डिमांड क्या है सर सरकार से? सरकार से हमारी डिमांड है कि एक तो डेथ एंड डिसेबिलिटी की जो नोटिफिकेशन है वो 5 मई 2009 को केंद्र सरकार ने पारित कर दी थी, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने अभी तक इसको हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं किया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।